बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रजा वुडवर्क में। साथियों, आज हमारे वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक है वो है एज बैंडिंग। साथियों, एज बैंडिंग के ऊपर आप ग्लू या फेविकोल या एसआर किस तरह लगा सकते हो। साथियों, ये हमारे मिस्त्री साहब, हम आज साइट पर आए थे तो ये एज बैंडिंग के ऊपर एसआर फेविकोल लगा रहे थे, जिसको पकड़ना मिस्त्री, जो ये ऐसे लगा रहे थे। ऐसे लगाने से क्या होता है साथियों, इसमें एक तो फेविकोल एक्स्ट्रा निकल जाता है और फिनिशिंग खराब हो जाती है। बाद में ये एक्स्ट्रा निकला हुआ फेविकोल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो साथियों, अब मैं मिस्त्री साहब को एक अपना एज बैंडिंग पे फेविकोल लगाने का एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ बनाकर दिखाऊंगा, और वो जुगाड़ हमारा टोटल वेस्टेज से बनने वाला है। साथियों, वीडियो में बने रहिए, आज हम आपको बहुत ही प्यारी एज बैंडिंग की मशीन बनाकर दिखाएंगे जिससे फेविकोल लगा सकते हैं। साथियों, आपके पास कटपीस तो पड़ा होगा, वेस्टेज, ये वेस्टेज है आपके पास, इस तरह की पट्टी से आप एज बैंडिंग पर फेविकोल लगाने की मशीन बना सकते हो मात्र 5 से 10 मिनट में। साथियों, वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। साथियों, हमने ये दो वेस्टेज से 2-2 इंची और लगभग 10 इंची से 12 इंची के दो टुकड़े उठाए हैं प्लाई बोर्ड के। साथियों, अब हम आपको दिखाएंगे एज बैंडिंग दिखाना। एक हमने पीस लिया है पूरा 23 mm का, जो हमने हैंड कटर की मदद से कटिंग कर लिया है, मैं दिखाऊंगा आपको। साथियों, ये 23 mm हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी एज बैंडिंग का जो साइज होता है वो पूरा 22 mm होता है, तो इसलिए हमने 23 mm थोड़ा इसको लिया है ताकि हम जो जुगाड़ बनाने वाले हैं उसमें ये प्रॉपर चलती रहे। साथियों, वीडियो में बने रहिए, एक मिनट पकड़ना। ये देखिए साथियों, मात्र 2 से 3 मिनट का काम है, मात्र 2 से 3 मिनट का काम है इसको बनाने में। साथियों, ये है वो जुगाड़ जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। देखना साथियों, इस तरह से हमने इसको, जैसे आप बिडिंग काटने का अड्डा बनाते हैं, सेम उसी तरह से ये बना सकते हैं। साथियों, अब हम इसको दिखाएंगे इसमें एज बैंडिंग पर फेविकोल किस तरह से लगा सकते हैं, वीडियो में बने रहिए। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथियों, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें फेविकोल किस तरह से लग सकता है। साथियों, हमने ये दो कटिंग की हुई है आरी की मदद से, इसमें हम क्या करेंगे, ये माइका होती है, माइका के पीस ऐसे करके आप इसमें डाल सकते हो। साथियों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बनाकर दिखाने वाला हूं ऐसा डालना। ये हमने ऐसे लिया, इसमें हमने थोड़ा सा एसआर फेविकोल डाल दिया है। अब साथियों, देखना इसको कितनी अच्छी क्वालिटी में इस पर फेविकोल लगकर तैयार होता है। देखना साथियों, कितने अच्छे तरीके से इस पर पूरा ऐसा लगकर तैयार हो चुका है, और कहीं से बिल्कुल भी जरा सा भी एक्स्ट्रा नहीं निकला हुआ है। इससे आपकी काम की क्वालिटी जबरदस्त हो जाएगी और बहुत ही काम भी बहुत ही अच्छा स्पीड से होगा आपका, और इस तरह से आप पूरे रोल पर भी, एज बैंडिंग के पूरे रोल पर भी फेविकोल लगा सकते हो। प्रॉपर तरीके से फेविकोल लगेगा और कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा फेविकोल नहीं निकलेगा। अगर फेविकोल नहीं निकलेगा तो आपकी क्वालिटी जबरदस्त होने वाली है काम में। देखा दोस्तों, आपने मात्र 5 से 7 मिनट लगाकर एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ बना लिया है, और वो भी वेस्टेज से। दोस्तों, इस तरह की आइटम बनाकर आप अपना कीमती समय भी बचा सकते हो और आप अपने काम में क्वालिटी भी ला सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम हमारे चैनल में अगर पहले से जुड़े हुए हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है। दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए
और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।